हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल RKMP20 जबलपुरिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे फ्रेम, फॉल सीलिंग के फ्रेम के बारे में। फ्रेम में पट्टी कितनी दूरी पे होनी चाहिए, बॉटम कितनी दूरी पे होनी चाहिए जिससे ज़्यादा मजबूती रहे। तो जैसे कि आप ये वाला फ्रेम देख सकते हैं, फ्रेम में हम लोगों ने ये इस पर दो दो फिट में पट्टी भरे हुए हैं और साथ ही तीन तीन फिट की दूरी पे ये बॉटम दिए हुए हैं। ये जो सीधे की तरफ चल रही हैं ये पट्टी हैं और ये जो आड़ी चल रही हैं ये बॉटम है। और सपोर्ट भी लगभग हम लोगों ने तीन फिट की दूरी पे दिए हुए हैं, इससे समझ सकते हैं ये पूरी दो दो फिट पे पूरी पट्टी गई हुई है और तीन फिट से भी कम दूरी है इसमें बॉटम है। ये जिप्सम बोर्ड के लिए फ्रेम बांधा गया है। अगर मुर्गा जाली के लिए होता तो लगभग इसमें 15 इंची या फिर एक फीट में पट्टी भरने की आवश्यकता पड़ती है हमें, ये देख सकते हैं। और इसकी मजबूती की बात करें तो इसमें हम लोग ने दिए हैं फास्टनर। एक फास्टनर 20 केजी का वज़न झेल सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ने इसमें फास्टनर काफ़ी सारे लगाए हुए हैं। ये सामने सरलक सीलिंग बनी हुई है बहुत ज़्यादा लंबाई की। ये इसमें हम देने वाले हैं प्रोफाइल सीट। ये पॉइंट डले हुए हैं लाइट के, उससे अगर हम इसकी लाइफ की बात करें तो ये 200 साल कुछ नहीं होना है, बस मेंटेनेंस खर्चा है। जैसे पुट्टी पेंट हर 5-6 साल की पुट्टी की कैपेसिटी रहती है, बस मेंटेनेंस रहता है, बाकी 200 साल कुछ नहीं होना इसमें। हल्का फुल्का पानी भी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी तेज पानी आएगा तो तेज पानी में तो खैर लोहा भी गल जाता है। और इसके खर्चे की बात करें तो लगभग 45 से 50 रुपये स्क्वायर फीट ये फॉल सीलिंग जाती है अपनी। ये देख सकते हैं आप चारों तरफ, अभी हमारा फ्रेम कंप्लीट है, तार भी डल चुकी है, बस उसके बाद बोर्ड पे इंस्टॉल करने की आवश्यकता है। अभी ये सामने वाली दीवार पे भी बनाना है फ्रेम, ये बैठक रहेगी यहाँ पे।